हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली सुबह सुबह उठने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले ना अपनी जो वार्डरोब है इसे थोड़ा डीक्लटर करती हूँ। एंड ये वाली जो वार्डरोब है बेडरूम वाली, आपको पता है मैंने वरुण के इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए थे। बट अभी मैंने क्या किया है कि जहाँ मेरे डेली वाले कपड़े रखे थे उसको मैंने पूरा खाली कर दिया है। एंड इस वाली वार्डरोब के एक सेक्शन में मैंने अपना डेली वियर टाइप्स जो होता है वो थोड़े से ऐसे कुर्ते पजामे और डेली के शॉर्ट्स, नाइट ड्रेस, वो सारी चीज़ें रख दी हैं। तो स्टार्टिंग में ना मैंने ऐसे ही रख दिया था और आज मैंने सोचा कि फिर ना मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं डेली सेम टी शर्ट जो बाहर दिख जाती थी ना वही पहन लेती थी। तो मैंने सारे कुर्ते, प्लाजो, ये सारी जो चीज़ें ना वो हैंगर में हैंग कर दी एंड टी शर्ट्स को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो काफ़ी डिक्लटर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। एंड आज सबसे पहला वाला टास्क मेरा यही था, क्योंकि वरना फिर ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। कपड़े निकालने में बहुत लेजीनेस हो रही थी एंड किसी का पजामा नहीं मिल रहा था, किसी का कुर्ता नहीं मिल रहा था, किसी का कुछ नहीं मिल रहा था। और वो वाली जो मेरे डेली में कपड़े रहते थे वो मैंने खाली कर दिए, वहाँ पे मम्मी ने स्टार्टिंग में कपड़े रख लिए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं अपना ऐसे ही रखूँगी, मतलब मैं अपने डेली के कपड़े ना यहीं पर रखूँगी। एंड इसमें जो ड्रॉर है उसमें हमने अपना एज सच डेली वाला जो होता है ना मेकअप का और लाइक लोशंस हैं, ऑयल है, जो वरुण यूज़ करते हैं, वरुण का ड्रेसिंग एरिया मैंने यहीं पर बना रखा है। तो मैंने अपना भी थोड़ा बहुत इसी में रख लिया है। तो हम लोग ना फिर यहीं पर तैयार हो जाते हैं। और वैसे जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है वो ऑलरेडी एक ड्रेसिंग रूम मैंने बना रखा है, बट अभी के लिए यहीं पर सब कुछ चल रहा है। और थोड़ी सी लैगिंग है, वैसे मेरे कपड़े ऑर्गेनाइज मतलब हैं भी और नहीं भी, अभी ना ऐसे चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन मेरे कपड़ों का। मतलब मैंने सेट तो कर दिए हैं बट अभी ना थोड़ा मेस्ड अप है। लाइक आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में कैसे कैसे सेट किए थे, सेट हो चुके हैं नो डाउट, बट थोड़ा सा मेस्ड अप है कि अभी बस ठीक है चल रहा है वो वाली चीज़ है। तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले तो इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा कपड़े मिलें, पहनूँ एंड थोड़ा सा ना मैं भी फिर बेटर फील करूँ। कपड़े अगर अच्छे आप ड्रेस कर लेते हो ना तो आपको बेटर फील होता है, एंड कपड़े अगर आप वही ड्रेसअप रहते हो तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लो फील होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताओ। मतलब ऐसा है ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं अच्छे से ड्रेसअप हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बेटर डे है, आप कुछ कर सकते हो। एंड ड्रेसअप नहीं होते हो तो ज़्यादा लो लगता है, ज़्यादा डाउन लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं आजकल आपको, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो फाइनली मेरी वार्डरोब हो चुकी है ऑर्गेनाइज। मैंने यहाँ पे ना ये ऐसे टांग दिए हैं एंड यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स की लाइन रख दी है, कुछ डेली वेयर शॉर्ट्स की, कुछ ऐसे ना लाइन रख दिया सिंपली। तो सिंपल जो इसमें थे ना वही मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं, नए कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, बस यही रखे रहने दिए हैं। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं एग्जैक्ट और मैं कर रही हूँ एडिटिंग। आज ना मैं ऑलमोस्ट सुबह से एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब नींद से लिटरली मैं उठी थी बीच में और फिर मैंने कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे की रात में बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, कैमरा ऑन करा, कैमरे से ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ाइल्स लगा दी थी नींद में, क्योंकि वो 1-1.5 घंटा ले लेती हैं। वो फ़ाइल ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी सी एडिटिंग 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 एडिटिंग, 2 वीडियो थे, प्रोडक्ट रिव्यूज़ थे, व्लॉग है, अभी तक जो व्लॉग एडिट हुआ ही नहीं है, व्लॉग तो अभी एडिट ही नहीं हुआ है। सो एडिट, अपलोड, ये वो शेयर करना कंपनी के साथ, सुबह से बहुत हैक्टिक हो गया है। साथ में मेरा ये वाला व्लॉग भी चल रहा है एंड वार्डरोब ऑर्गेनाइज की है, ये सारी चीज़ें आज चल रही हैं मेरी फुल डे में। और पता है वार्डरोब मैंने स्पेशली ऑर्गेनाइज इसलिए किया क्योंकि क्या हो रहा था, अभी ना मैं ऐसे कपड़े रख देती थी ना तो ये टी शर्ट इतना पहन रही हूँ मैं, इतना पहन रही हूँ, लिटरली इतना पहन रही हूँ कि ये वॉश होती है, ये सामने दिखती है, फिर ये उठा लेती हूँ, ये चीज़ हो रही थी। तो मुझे लगा कि पहले इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी भी मेरा एक वीडियो एडिटिंग के लिए बचा हुआ है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी एडिट करने का कुछ भी। सुबह से मैंने 3 वीडियो एडिट कर दिया, अब बिल्कुल मन नहीं है। मम्मी जस्ट नहा के आई हैं, मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, फिर अपना लंच करूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी एंड फिर शाम को कुछ एडिट करूँगी। पता है मुझे ऐसा लगता है कभी कभी शूट करना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब आप शूट कर दो ठीक है, एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा एनर्जी लगती है। शूट करना मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, आपसे बातें कर रही हूँ, एडिट करना थोड़ा सा हेक्टिक लगता है मुझे कभी कभी, और वो भी कोई कंपनी का वीडियो होता है ना तो उसमें कभी कभी पंगा आ जाता है। क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनीज तो होती हैं कि ठीक है आपने कोई प्रोडक्ट शेयर किया ओके, कुछ का होता है कि आपको पर्टिकुलर लाइंस बोलनी है, अगर आपने नहीं बोली ना तो वो दोबारा भेज देते हैं कि नहीं भाई इसे रीशूट करो, इसे री एडिट करो, फिर दोबारा पंगा, आप दोबारा पूरा रीशूट करोगे। वो पंगे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा यार इतनी मेहनत से आप शूट करो। काफ़ी कंपनीज होती है जो समझती हैं ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया यार तो इट्स ओके, ऊपर नीचे हो जाता है,
पर कुछ को तो लाइन टू लाइन सामान चाहिए, मतलब लाइन टू लाइन वो चाहिए वीडियो। तो आज बस मैं ये प्रे कर रही हूँ जो मैंने शेयर किए वीडियोस वो भाई पास हो जाए। मैं दोबारा रीशूट करने की एनर्जी में बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत ही मुश्किल से मैं अपने आप को पुश किया था कि चलो भाई जो प्रोडक्ट्स पड़े उन्हें शूट करो, बट अब दोबारा नहीं यार। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और एडिट हो ही गया, अब व्लॉग एडिट नहीं हुआ है मेरा, तो व्लॉग अभी एडिट करने का मेरा कुछ खास मन नहीं कर रहा है। आज का ऐसे ही निकल गया दिन अभी 2 बजे तक का। अब बस नहाऊंगी, लंच करेंगे एंड फिर आज मैंने कुछ शूट करने का प्लान किया है फॉर लाइक 3 से 4 वीडियोस, अच्छी अच्छी सी सिटिंग वीडियोस हैं, तो वो मेरा शूट करने का प्लान है, वही करने के लिए सोच रही हूँ। मैं यूँ नहा के और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो अभी हेयर मेरे बिल्कुल गीले हैं और मैं थोड़ा सा अपना जो मेकअप मेकअप कह सकते हैं हल्का सा तैयार हो जाती हूँ। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं आजकल आप तैयार हो रहे हो तो अच्छे लग रहे हो फिर से। बीच में ना मैं बिल्कुल लो गई थी, मन ही नहीं कर रहा था। जब आप में थोड़ी सी एनर्जी होती है ना तब आपका मन करता है कि थोड़ा सा तैयार हो जाओ, जब एनर्जी नहीं होती है तो लगता है ऐसे पड़े रहो। तो बस टोनर अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा टोनर है, पोमेग्रेनेट का मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत सही है। एंड मुझे ना लास्ट वाली वीडियो पे कुछ मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने जो ड्रेस पहनी है वो कहाँ की है, जो कुर्ता है वो कहाँ का है। तो जो मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है वो वाला जो कुर्ता है वो मीशो का आया, और मीशो पे ना वो नहीं होता है, मतलब लिंक नहीं होता है, तो उसका नंबर होता है। वो वाली वीडियो मैं आपके साथ इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तब वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो मैंने आज पहना है ये आजियो का है, और इस वाली वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसका लिंक ले सकते हो। साथ में मैं जो मेकअप मेकअप तो नहीं मतलब हाँ जो भी स्किन केयर कर रही हूँ, या फिर मोस्ट ऑफ द कपड़े ना मेरे अमेजोन से होते हैं, तो मैं अपने अमेजोन का माय हॉल स्टोर का ना पूरा वो डालूंगी आपको लिंक, तो वहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, मेरे मोस्ट ऑफ द कुर्ता प्लाजो और या फिर डेली बेसिस पर जो मैं मेकअप वेकअप करती हूँ वो सब ना मोस्टली वहीं से है। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ बायो ऑयल, मतलब 2 दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना। एंड बस टोनर और मेरा मॉइस्चराइजर, दैट्स इट, ये दोनों चीज़ का ज़रूरी है। बीच में तो मैंने ये भी सब स्किप कर दिया था, और उसके बाद फिर अपना वही नॉर्मल मेरी बीबी क्रीम, और इस वाले पैकेट में ना ये जो हमारी ड्रॉर है जिसमें मैंने कपड़े रखे हुए थे ना, उस वाली ड्रॉर में हमने अपना सारा डेली का जो सामान होता है वो रख दिया है, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं वहाँ पे जाऊँ ड्रेसिंग एरिया में, वहाँ पर तैयार हूँ, इसी मिरर पे तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि वरुण का मैंने यहीं पर ड्रेसिंग एरिया बना रखा है, तो बस वहीं पे मैंने अपना 2-4 सामान रख लिए हैं और यहीं पर रेडी हो जाती हूँ। बहुत लाइट वेट क्रीम है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने लगा रखा है। यस दैट्स इट। और लिपस्टिक, सो लिपस्टिक ना मैं लगा रही हूँ लैकमे की, जो मैंने क्रियॉन्स मंगाए हैं न्यूड वाला शेड, बहुत अच्छा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा माय हॉल स्टोर में, ये बहुत सही है यार, बहुत मस्त है और बहुत ही लाइट है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ लगा रखा है, और बहुत सॉफ्ट है। अच्छा कलर है ना, पीची कलर है, बहुत लाइट पीची है। या दैट्स इट, मेरा मेकअप हो चुका है। तो ये देखो बिल्कुल न्यूट्रल सा मेकअप किया है, लिपस्टिक लगाई है हल्का सा शेड एंड हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा के फेस ना एकदम अच्छा हो जाता है। और अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। भूख लग रही है बहुत तेज, मैं थोड़ी देर ना लेट गई थी क्योंकि सुबह से आज पूरा दिन ऐसे बिजी बिजी सा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो बस लेट गई थी। आज खाने में बना है आलू गोभी और रोटी और रायता। वैसे मैंने एक बार ना एक रोटी खा ली थी, मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में खा रही हूँ, कभी एक फिर डेढ़, कभी चटनी से, कभी किसी से, ताकि थोड़ा मेरा टेस्ट भी चेंज होता रहे और मुझे कुछ अच्छा अच्छा मन करता रहे खाने का चेंज। अभी बाल थोड़े से गीले हैं इसलिए मैंने बांधे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी खा लेती हूँ, थोड़ी सी चटनी ले रही हूँ। यार ये वाली जो चटनी है ना इतनी टेस्टी लग रही है, हम लोग इतना खा रहे हैं इस चटनी को डेली, सुबह शाम दोनों टाइम बनाते हैं, मतलब क्योंकि मम्मी ना एक कटोरी बनाती है एक बार में,
फिर टेस्ट खराब हो जाता है वरना चटनी का, एक साथ ज्यादा बना के रख लो। कुछ लोग पता है मैंने देखा है बना के ना फ्रीजर में रख देते हैं और उसे कम से कम 10 दिन तक खाते हैं, बट उसमें टेस्ट नहीं आता। और मैं एक चीज और खाती हूँ, अभी ना कुछ दिन पहले मम्मी का और वरुण का आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हम लोगों ने ये मंगाए थे मटका कुल्फी, तो इसमें मैं चटनी लेने वाली हूँ। मेरे को अचानक से दिख गई है सामने, इसमें मैं चटनी खाऊंगी आज। ये वाली चटनी बहुत ही यम्मी लगने लगी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत खा रहे हैं इसे क्वांटिटी में। थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है, टेस्ट काफी अच्छा होता है। सब्जी थोड़ी सी ही लूंगी, मम्मी ने टमाटर प्याज भी काटने बट वो नहीं ले रही मैं क्योंकि मैंने चटनी ले ली तो प्लेट लग गई है। चलो रायता, दो रोटी और देखो चटनी ये वाली और सब्जी। मम्मी को देखते हैं क्या कर रही हैं, किसी का फोन आया तो पूछती हूँ किसका फोन आया था। अंधेरा हो रहा है पूरे घर में क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट्स ऑन नहीं करती हूँ जब हम लेटे होते हैं सो रहे होते हैं। तो किससे बात कर रही हो मम्मी? अच्छा तो मम्मी कर रही हैं मौसी से बातें, तब तक मैं लंच कर लेती हूँ। इन लोगों ने लंच कर लिया है दोनों ने। आज मेरा बहुत ही लो और लेज़ी इवनिंग जा रही है क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट 15 डेज से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। तो दिन भी आज का ठीक था, मॉर्निंग अच्छी स्टार्ट हुई थी, एक्टिवनेस से स्टार्ट हुई थी। बट नहाने के बाद एक तो जिस दिन हेयर वॉश कर लूँ ना उस दिन लेज़ी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि सो जाओ, और सो भी नहीं पाई हूँ मैं पूरे दिन, सो ही नहीं हूँ पर हाँ लेट ही रही हूँ, बहुत ही लेज़ीनेस हो रही है। खाना खा लिया था फिर लेट गई, फिर हम लोगों ने खील तलनी थी, खील नहीं सॉरी मुरमुरे तले थे वो खाए मैंने, नींबू पानी पिया फिर लेट गई। ऐसे ही जा रहा है, बहुत ही लेज़ी पता नहीं क्यों, और रात तक अब मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो 7 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करने वाली हूँ आज, पूरे दिन को यूटिलाइज हो गया मेरा, आई एम डन। बस मैं ऐसे लेटी रहूँगी, और मुझे लग रहा है मैं क्यों इतनी नहा के एक्टिव होने के लिए तैयार हुई थी और अपोजिट ही हो गया, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रही, बहुत ही लेज़ी रही। बट कोई बात नहीं, होता है यार कोई कोई दिन, इट्स ओके। एंड व्लॉग तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है ये वाला, शायद बहुत ही छोटा व्लॉग है, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ठीक तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत ही टायर्ड लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा ही वाला व्लॉग कर ही नहीं पाऊँगी। छोटा सा व्लॉग है कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। कभी कभी बड़े व्लॉग्स मिल रहे हैं, कभी कभी छोटे व्लॉग्स मिल रहे हैं। और हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने अभी 3-4 मैं अभी ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने अभी शेयर किया था कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का, ठीक है फर्स्ट और सेकेंड मंथ का, तो उस पर 2-3 कमेंट आ रहे हैं कि सबको यही होता है, इसमें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और 2 मिनट का वीडियो इनफ था। फिर आ रहे हैं कि इसके अलावा प्रेगनेंसी वीडियोस के अलावा भी कुछ और बना लिया करो कभी। तो मुझे ये बताओ मेरे भाइयों और बहनों कि मेरा जो चैनल है वो अप्रॉक्स 2 साल से है, तो क्या पिछले 2 साल से मैं प्रेगनेंसी वीडियोज़ ही बना रही हूँ क्या? नहीं ना। अब मैं अगर इस टाइम पर प्रेगनेंट हूँ तो क्या मैं ट्रैवल व्लॉग्स डालूँ या कुकिंग व्लॉग्स डालूँ, क्या डालूँ? प्रेगनेंसी वीडियोज़ ही डालूंगी ना। अगर आपको अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है ना तो मत देखो, सीरियसली। मतलब कैसे लोग हैं, इतनी सारी सिचुएशंस चल रही हैं दुनिया में, ऊपर से कमेंट आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, मत करो ऐसे, तो मत करो कि इंसान एकदम डिप्रेस्ड हो जाए। ठीक है मैं नहीं हो रही हूँ बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। कि अब जब मैं प्रेगनेंट हूँ तो क्या डालूं वीडियो, कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ क्या डालूं? हाँ कैसी बातें हैं ये, पता नहीं कि यही डालती रहूँगी अब, और क्या डालूँगी भाई क्या डालूँ? तो मुझे कमेंट कर देना भाई कि क्या डालूँ, वही डालूँगा चलो ठीक है।
ऐसे बात आती है यार, ऑब्वियसली जो अब व्लॉगिंग क्या होता है, मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ ना, तो क्या डालूंगी यार, यही सारी चीज़ें तो डालूंगी कि भाई कोई अपडेट है। और पहली बात है, अभी मैं फोर्थ मंथ में जंप कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपना, मतलब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। और मेरा पहला ऐसा वीडियो गया है जहाँ मैंने शेयर किया है कि मेरा फर्स्ट और सेकेंड मंथ कैसा रहा था, फर्स्ट वीडियो गया है ना। अभी तो अगले 6 महीने तक यही वीडियोज़ आएंगे, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत देखो, 6 महीने तक यही वीडियोस आएंगे, क्योंकि यही है डेली लाइफ व्लॉगिंग में, यही है मेरी, मैं कि मेरी लाइफ में भी यही चल रहा है तो यही आएगा। हाँ यही बोल रही थी यार मैं, मतलब कैसे कैसे लोग यार कमेंट कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ भी कमेंट करना होता है। कोई बात नहीं, चलो फिर इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बहुत ही लेज़ी हो रहा है पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसे मन कर रहा है कि लेटर हो, बट मैं थोड़ा सा भी शायद बालकनी में जाऊँगी और तो कुछ नहीं, लेट ही रहूँगी, यही प्लान है आज का मेरा। ठीक है, बाय, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, शायद थोड़ी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय।